तो द बॉयज नेक्स्ट ईयर फिर से आने वाला है, लेकिन इस बार कॉलेज में। तो जेन वी नाम से एक ट्रेलर आया था, मतलब जनरेशन वी, जो कि द बॉयज के यूनिवर्स में सेट है। और ये शो एक कॉलेज पे बेस है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि इसमें हमारे जितने भी सुपर हीरोज हैं वो सारे हैं टीनेजर, जो कि सुपर हीरो बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं एक कॉलेज में, जिसे आप सिंपल से सुपर हीरो का स्कूल भी मान सकते हो। इसमें भी हमें खून खराब इम्यूनिटी बहुत भर के देखने को मिलने वाली है। और जो चीजें जो इन्हें द बॉयज से अलग बनाएगी वो है इनकी यंग जनरेशन, जैसे कि बॉयज पॉलिटिकली, साइकोलॉजिकली और कल्चर और मीडिया को ब्रूटली बैरल करती है। और इसी की दूसरी तरफ ये जनरेशन वी यंग जनरेशन की पैरोडी दिखाएगा कि आजकल के टीनेजरों की क्या सोच है और क्या ये सच में इस देश का भविष्य बन पाएंगे। मतलब सीधी सी बात है, जो मजा हमें द बॉयज में देखने को मिला था वो हमें इस जेन वी में भी देखने को मिलेगा। मतलब मजा आया।